हिमांशी खुराना तैयार है अपने नए गीत के साथ। उनका नया गाना आने वाला है तमाशा, और इसका जो है अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की है अपने सोशल मीडिया पर। तमाशा के इस पोस्टर के साथ मार्शल सहगल ने इस गाने को गाया है और ये गाना बहुत ही जल्दी आएगा। इसमें उनके साथ नजर आएंगे रॉनी सिंह, जी हाँ, एक एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और टी सीरीज इसको लॉन्च करेगी। इस गाने की और भी क्या है डिटेल्स और कब लॉन्च होगा, कहाँ शूट हुआ था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाशा, जिसका टैगलाइन है कर्मा इज वॉचिंग, ये बहुत ही जल्दी अगर मैं कहूँ तो लॉन्च हो जाएगा। और ये गाना जो है फरवरी में आर्मेनिया में शूट हुआ था, जी हाँ, उस पूरी टीम के साथ। दरअसल आपको याद होगा साल 2018 में हिमांशी और मार्शल सहगल का एक गीत आया था वक्त, और उस गाने को भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिले थे। उस गाने में हिमांशी के साथ रॉनी सिंह थे बतौर एक्टर, वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी, उनके साथ जो है उनका ये गाना शूट हुआ था। और वही टीम जो है दोबारा इस गाने को लेकर आ रही है, वही टीम आ रही है वापस वक्त की सक्सेस के बाद। इसीलिए इस गाने का जो है इतना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको सेट की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये आर्मेनिया में जब गाना शूट हुआ था उस समय की तस्वीरें हैं जब फरवरी में हिमांशी खुराना बिग बॉस में से बाहर निकलने के बाद आर्मेनिया गई थी इस गाने की शूटिंग के लिए। मार्शल सहगल ने इस गाने को आवाज़ दी है, और मार्शल सहगल और हिमांशी खुराना और रॉनी, ये पूरी टीम जो है वक्त गीत के बाद वापस आ रही है। बहुत ही जल्दी ये गाना लॉन्च हो जाएगा। ये एक सैड और रोमांटिक सॉन्ग है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो वक्त आया था दिसंबर में इनका गाना, वो भी एक ऐसा गाना था जो सैड गाना था, फ्लैशबैक का गाना था, और उसमें एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं उस चीज़ों को, उस तरह की सिचुएशंस को दिखाया गया था। तो ये गाना जो है कर्मा इज वॉचिंग तमाशा, ये गाना भी कुछ उसी जॉनर का है, सैड और रोमांटिक गाना है। तो हम लोग तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, गाना गाया है मार्शल सहगल ने, तो देखते हैं हिमांशी के फैंस जो हैं वो भी इस गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आर्मेनिया में जब ये गाना शूट हुआ था तब की कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ देर में, तो आप जो है बने रहिएगा फिल्म विंडो के साथ।